और मैं बता रहा हूं इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। एत दिन धरिक बहिष्कार करते पांडियान नाटा उठेदेली तापर यू योजना करी पांडियान सार को खुशी करने मत गोटे अपमानजनक ये करन मस बहिष्कार करदे बेले बेले लगुच कि मो माइंड को एमती भी आसमी किसी कर पकईमी एक तो मत गोटे अपमान दिगला गोटे मिछरे मत फसागला एत दिन पर्यंत मुझे कम कर आसूली पांच वर्ष होगा बसला तो मुझे खराब कम कर मत कौन जिला स्तर में आवार्ड दिगला सर्टिफिकेट दिगला वोट वोट इथरा किंतु ऐसे आंगनबाड़ी दीदी सरकार के जवाब दबा रो ना ओडिसा रे मद पीबा डेवलप करूचो मु आगे ग्रामांचल रो आउची 99% प्रत्येक घरे दीटा मदुआ पाइबे आज एसएचजी महिला काहे कि दौड़ुचंती एसएचजी महिला एथि पै भिड़ को जाउचंती जो नास्ता पैकेट मिलुची सेथिरे 200 टंका किबा 500 टंका ते खोलिले मिलुची आपण देखिथिबे टंका धर के स्त्री लोक गुडा को नाचुचंती एसएचजी को से माने सेथि पै धरिचंती तम हस्बैंड गुडा को पुआ गुडा को मदुआ वंतु तमे आसी के एसएचजी राम को वोट दियो एमती 200 टंका न उठाओ वोट वोट इथरा किंतु ऐसे आंगनबाड़ी दीदी सरकार के जवाब दबा। मैं बता रहा हूँ इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। छह सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार, ये शिवराज के परिवार से कोई होगा क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। कल रात में 3-4 बजे एक छात्र का मैसेज आया, वो बताने से भी मुझे डर लगता है। बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्या इस साल भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी। सुबह में उठा, मैंने उसका मैसेज पढ़ा और घबरा कर उसको तुरंत कॉल किया। उससे कहा कि नहीं नहीं तुम इतना नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक रहो, आचार संहिता से पहले तुम्हें सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, परीक्षा चुनाव के बाद होगी, पाठ्यक्रम वही है, अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ते रहो। कब तक झूठा आश्वासन दे, ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। ये देखो क्या है, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुम 30,000 भर्तियों 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। कहां से दी तुमने भर्तियां, तुमने किसी भर्ती का रिजल्ट तक तो जारी किया नहीं है, सारे रिजल्ट को तुम दबाकर बैठे।